स्टूडेंट्स करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 3.2 में कहा गया है, हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ इज 36 मीटर, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन। हमें गार्डन का डायमेंशन बताना है, मतलब लेंथ और ब्रेथ बतानी है, और इसका हाफ पेरीमीटर 36 मीटर दिया हुआ है और उसकी लेंथ जो है वो 4 मीटर ज़्यादा है उसकी ब्रेथ से। तो हम लोग करते हैं सीधे सॉल्यूशन। तो हम मान लेते हैं लेट लेंथ लेंथ ऑफ गार्डन टू बी एक्स मीटर, और इसी के साथ हम लोग ये भी मान लेते हैं लेट ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन टू बी वाई मीटर। अब अगर हम हाफ पेरीमीटर निकालें किसी रेक्टेंगल का, हाफ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल का हाफ पेरीमीटर निकालने का फार्मूला जो बनेगा, तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकालने का फार्मूला ये होता है 2l + b। अब हाफ पेरीमीटर निकालना है तो इसे 2 से डिवाइड कर दो, ये हो गया। तो यहाँ ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास l + b। ये हाफ पेरीमीटर निकालने का फार्मूला हो गया रेक्टेंगल का। तो इसी तरीके से हाफ पेरीमीटर ऑफ गार्डन क्या हो जाएगा, क्योंकि गार्डन भी हमारा रेक्टेंगल है, हाफ पेरीमीटर ऑफ गार्डन, तो हाफ पेरीमीटर ऑफ गार्डन हो जाएगा हमारा, लेंथ की जगह पे हम लोग एक्स लिखेंगे x+, और ब्रेथ की जगह पे हम लोग वाई लिख देंगे, ठीक है। अब हाफ पेरीमीटर तो गिवेन है हमें 36, तो इसका मतलब ये हुआ कि 36 = x + y, ठीक है, या फिर हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं x + y = 36। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 बनी इस तरह से। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन में कहा गया है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो क्वेश्चन में क्या कहा गया है, क्वेश्चन में कहा गया है जो लेंथ है वो 4 मीटर ज्यादा है उसकी ब्रेथ से या विड्थ से। तो ये 4 मीटर ज़्यादा है, अब ये दोनों इस टाइम पे तो इक्वल नहीं है, ठीक है, ये 4 मीटर ज़्यादा है, तो इसे 4 मीटर, इसे भी 4 मीटर ज़्यादा कर दो ब्रेथ को, अब ये दोनों चीज़ें इक्वल हो गई, और इस तरह से ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 बन गई, ठीक है। इसको y को इधर ले आएंगे, उस तरह से भी हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, इसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है दोनों लाइन को, फिर ये दोनों लाइन जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी वहाँ पे हमें एक x की वैल्यू मिलेगी, एक y की वैल्यू मिलेगी, वही x की वैल्यू जो मिलेगी वो लेंथ होगी, और y की जो वैल्यू मिलेगी वो इसकी विड्थ होगी या इसकी ब्रेथ होगी। तो चलिए दोनों इक्वेशन के लिए, दोनों लाइन के लिए बनाने के लिए हम लोग पॉइंट्स यहाँ पर जो है वो निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले इक्वेशन फर्स्ट से हम लोग, फॉर इक्वेशन फर्स्ट, तो फर्स्ट इक्वेशन हमारी ये थी x + y = 36। तो यहाँ से हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं x = y को उधर ले जाते हैं 36 - y, ठीक है। अब y की वैल्यू हम यहाँ पर रखते जाएंगे, x की वैल्यू हमें मिलती जाएगी, तो हम सीधे सीधे टेबल बना लें, बहुत सिंपल से टेबल बन जाएगी, उसमें सॉल्यूशन करके दिखाने की ऐसी कोई ज़रूरत नहीं, आप समझ जाएंगे, ठीक है। अब x यहाँ पर और यहाँ पर y, अगर हम y की जगह पर यहाँ पर 20 रखें, ठीक है, y की जगह पर यहाँ पर 20 रखें, तो 36 - 20 कितना बचेगा हमारे पास, 16, ठीक है। अगर हम यहाँ y की जगह पर रख देते हैं, मान लीजिए 16, y की जगह पे हम लोग 16 रख देते हैं, तो 16 माइनस होगा यहाँ पे, तो x की वैल्यू क्या बचेगी यहाँ पे, 20,
ठीक है, पहले हमने एक्स की जगह पर रखा, वाई की जगह पर रखा 20, तो यहाँ बचा 16, तो एक्स की वैल्यू हो गई 16। फिर हमने यहाँ पर वाई की जगह पर रखा 16, तो यहाँ पर बचा 20, ठीक है, तो एक्स की वैल्यू 20 हो गई। अब यहाँ पर एक्स की जगह पे आप रख दीजिए, वाई की जगह पे यहाँ पे रख दीजिए, यहाँ पर, ठीक है, वाई की जगह पे यहाँ पर रख दीजिए, कितना रख दीजिए, यहाँ पर रख दीजिए 22 रख दीजिए, ठीक है, तो यहाँ पर कितना बचेगा, 14 बचेगा सर। तो ये 3 पॉइंट्स आ गए हमारे इस इक्वेशन के लिए, इस इक्वेशन के लिए 3 पॉइंट्स आ गए हमारे, ठीक है। अब सेकंड इक्वेशन क्या है हमारे पास, यह है एक्स इक्वल टू वाई प्लस 4। तो यहाँ पर भी टेबल बना लेते हैं, और ये बन गई टेबल, ये एक्स, ये वाई, ठीक है। अब यहाँ पर वाई की जगह पर रख दीजिए 6, तो एक्स मिल जाएगा हमें 10। यहाँ वाई की जगह पर रख दीजिए, एक और ज़रूरत पड़ेगी मैं पॉइंट की, यहाँ वाई की जगह पर रख दीजिए 10, तो ये एक्स मिल जाएगा हमें 14। अच्छा, यहाँ पर वाई की जगह पे रख दीजिए आप 12, तो ये एक्स हो जाएगा फिर 16, ठीक है, ये एक्स और ये वाई, वाई की जगह यहाँ 6 रखा, 6 एंड 4 10 हो गया एक्स, ठीक है। फिर वाई की जगह हमने 10 रखा, तो 10 एंड 4 14, तो एक्स 14 हो गया। वाई की जगह हमने 12 रखा, तो 12 एंड 4 16, तो ये 16 हो गया। तो ये दो टेबल बन चुके हैं और इससे हमें पॉइंट्स पता चल गए हैं, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग चलना पड़ेगा हम लोगों को ग्राफ पे, ग्राफ पे जाके हम ये दोनों इक्वेशन जो हमारी लिखी हुई है उसके पॉइंट से लाइन बनाएंगे, और लाइन से हमें पता चलेगा कि वो दोनों लाइनें कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। जहाँ पर भी वो इंटरसेक्ट करेंगी वही हमारा सॉल्यूशन होगा, एक्स और वाई हमें वहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए चलते हैं ग्राफ पर। तो स्टूडेंट्स हम लोग आ गए हैं ग्राफ पर, और ग्राफ पर हमने जो है इक्वेशंस और जो बोर्ड पर हमने पॉइंट्स निकाले थे वो लिख लिए हैं यहाँ पर, और इसको जो है पॉइंट्स को हम ड्रॉ कर लेते हैं और फिर लाइन बनाते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन के लिए ये रहा x16 y22, 1 यूनिट इक्वल टू, हमने 4 लिया हुआ है यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक ये 1 यूनिट है, 1 यूनिट इक्वल टू हमने 4 लिया हुआ है। तो x इक्वल टू 16, y इक्वल टू 20, तो x पे चले 16 और y पर फिर चलेंगे हम लोग 20। तो हमें फर्स्ट पॉइंट ये मिल रहा है और ये पॉइंट है हमारा 16, 20। अच्छा, अब नेक्स्ट पॉइंट x20 y16, तो x20 y16, तो नेक्स्ट पॉइंट हमें ये मिल रहा है x पर 20 y पर 16, ठीक है। तो ये मिल रहा है 20, 16। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट हमें फर्स्ट इक्वेशन के लिए 14, x पर हमें 14 y पर 22, तो एक्स पर हम चलेंगे 14, तो 16 और 12 के बीच में ये आएगा 14, ठीक है। अब हमें यहाँ से चलना है 22, तो 22, तो 22 आएगा हमारा यहाँ पर, 20 एंड 24 के बीच में 22, तो ये हमारा पॉइंट होगा 14, 22। तो ये 3 पॉइंट्स हमें मिले, और इन तीनों पॉइंट्स को हम लोग जो है स्केल की मदद से लाइन बनाएंगे। तो ये वाला स्केल ले लेते हैं, थोड़ा सा गड़बड़ है स्केल, तो ये लाइन बन रही है हमारी, ये लाइन जा रही है हमारी, ठीक है। तो ये जो लाइन की इक्वेशन थी वो थी x+y=36, फर्स्ट इक्वेशन। अब ये सेकेंड इक्वेशन यहाँ पर, तो सेकेंड इक्वेशन के पॉइंट 10, 6, तो 8 एंड 2 10, 6, तो ये 10, 6 ये आ रहा है, 4 एंड 8 के बीच में ये 6 है, 10, 6। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर 14, 10, तो 14 ये, 10,
ये आ रहा है हमारा यहाँ पर, क्योंकि ये हमारा 10 होगा, ठीक है। 8 × 10 × 12, तो ये हो गया हमारा 14, 10, ये हो जाएगा हमारा 14, 10 पॉइंट। अच्छा, फिर हमारे पास 16, 12, 16, 12, 12 आ रहा है हमारा यहाँ पर, ये हो गया हमारा 16, 12 पॉइंट। अब ये 3 पॉइंट्स हमें मिले, और इन तीनों पॉइंट्स को हम लोग जोड़ देंगे, एक लाइन बनाएंगे इन तीनों पॉइंट्स से होती हुई, और ये लाइन देखिए इंटरसेक्ट कर रही है 20, 16 पर। इसका मतलब एक्स इक्वल टू 20 और वाई इक्वल टू 16 पर ये इंटरसेक्ट कर रही है। तो एक्स हमने माना था लेंथ को, तो लेंथ हमारी हो जाएगी 20 मीटर, और वाई हमने माना था ब्रेथ को, विथ को, तो विथ हमारी हो जाएगी 16 मीटर। और इस तरीके से ग्राफिकली सॉल्यूशन इसका हमारे पास आ गया। अब हम लोग चलते हैं सीधे फिर से बोर्ड पर, और वहाँ पर हम लोग करेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इस तरीके से सॉल्यूशन होना है ग्राफ के थ्रू, ठीक है। तो चलिए चलते हैं फिर से बोर्ड पर। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा ग्राफ पे हमारी जो रेक्टेंगुलर गार्डन की जो लेंथ आई, वो आई हमारी लेंथ जो आई हमारी वो आई 20 मीटर, 20 मीटर, और जो विड्थ आई हमारी वो आई हमारी 16 मीटर। तो इस तरीके से हमने इसे ग्राफ पे सॉल्व किया और हमने दोनों पॉइंट्स निकाल लिए। अब स्टूडेंट्स, हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। तो क्वेश्चन नंबर 6 पे चलने से पहले हमें ये करना पड़ेगा यहाँ पे इसको रफ, और आप लोग जो है पॉज करके, नहीं उतर पाए तो पॉज करके आप लोग उसको नोट डाउन कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है, गिवन द लीनियर इक्वेशन, एक लीनियर इक्वेशन दिया है 2x+3y-8=0। क्वेश्चन नंबर सिक्स, एक क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास एक इक्वेशन है, इक्वेशन है 2x+3y-8=0। ये हमें एक इक्वेशन है। अब कहा गया कि राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स सच दैट द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर्स फॉर्म्ड इज, मतलब हमें एक इक्वेशन और बतानी है। तो फर्स्ट पार्ट में कहा गया इंटरसेक्टिंग लाइंस, मतलब वो जो हम इक्वेशन बनाएंगे वो इस इक्वेशन के साथ, गिवन इक्वेशन के साथ इंटरसेक्ट करें, वो दोनों लाइनें इंटरसेक्टिंग हो जाएं, इस तरह की इक्वेशन बतानी है। फिर सेकंड पार्ट का आ गया पैरेलल लाइंस, यानी मतलब हमें फिर दूसरी एक और इक्वेशन बतानी है सेकंड पार्ट में जो इसके साथ पैरेलल हो। और थर्ड पार्ट में कहा गया है कोइंसिडेंट लाइंस, मतलब थर्ड पार्ट में हमें एक और इक्वेशन बतानी है जो इसके साथ कोइंसिडेंट लाइंस हो जाए, मतलब वो दोनों मिलके कोइंसिडेंट हो इसके साथ। तो पहला इसका फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट में यहां पर है इंटरसेक्टिंग लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो बहुत वेरी सिंपल, तो बहुत आसानी से हमें क्या पता है, हमें देखिए ये पता है कि अगर a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 है तो वो दोनों लाइनें इंटरसेक्ट करेंगी। तो यहाँ पर a1 है 2 और यहाँ b1 है 3, तो यहाँ पर हम हमारे पास जो गिवन लाइन है हमारी वो ये है, ठीक है। हमारी गिवन लाइन जो है वो क्या है, गिवन लाइन हमारी है 2x+3y-8=0। तो इसके लिए हमें इंटरसेक्टिंग लाइन, मतलब एक और
हमें लानी है। तो इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए हम एक और इक्वेशन ले लेते हैं, तो वो हम ले ले रहे हैं यहाँ पर 3x + 2y - 8 = 0। अब देख लीजिए आप, 2/3 हो जाएगा a1/a2, और b1/b2 हो जाएगा 3/2। दोनों चीज़ें कहाँ इक्वल रहेंगी, रहेंगी दोनों चीज़ें इक्वल। तो देखिए यहाँ पर हम लिख सकते हैं a1/a2 ≠ b1/b2, और यहाँ पर हम रफ में देख लेते हैं a1/a2 क्या हो जाएगा 2/3, और b1/b2 क्या हो जाएगा 3/2। तो ये दोनों चीज़ें बराबर कहाँ है, तो नॉट इक्वल है, ठीक है। तो ये हमारा वो आंसर हो जाएगा, इंटरसेक्टिंग लाइन जो है इसके साथ ये लाइन इंटरसेक्ट करेगी किसी भी पॉइंट पे, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो गया ये वाली इक्वेशन, ठीक है। अब नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट में कहा गया है, सेकंड पार्ट में कहा गया कि इसी लाइन के एक ऐसी इक्वेशन आप बताओ इस लाइन के साथ वो पैरेलल लाइंस बनाए, ठीक है, पैरेलल लाइंस हो जाए वो दोनों मिलके, ठीक है, एक ये और एक आप दे दो। तो पैरेलल लाइंस के गिवन लाइन हमारी क्या है, गिवन लाइन हमारी पास है, गिवन लाइन क्या है, 2x + 3y - 8 = 0। तो फिर हम उसके लिए क्या ले सकते हैं, पैरेलल हो, ठीक है, तो हम ले सकते हैं 4x + 6y - 10 = 0, ठीक है। क्योंकि पैरेलल के लिए हमें क्या पता होता है कि a1/a2 = b1/b2 के, लेकिन नॉट इक्वल हो c1/c2 के। अब यहाँ पे करके देख लीजिए, ये a1, ये a2, 2/4, ये b1, ये b2, तो 3/6, ये c1, ये c2, तो -8/-10। अब यहाँ पे देख लीजिए, माइनस से माइनस कैंसिल, ये नॉट इक्वल आ जाएगा, ये दोनों इक्वल हैं, 2 × 2 = 4, 3 × 3 = 6, 1/2 = 1/2, ठीक है। और ये 4 × 8, तो 4 से कट ही नहीं रहा, तो 2 × 4 = 8, 2 × 5 = 10, तो ये 4/5 जो कि नॉट इक्वल है, ठीक है। तो ये वाले हमारे जो है a1/a2 = b1/b2 ≠ c1/c2 हो रहा है, तो फिर हम हमारी ये इक्वेशन बिल्कुल सही है, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये इक्वेशन, ठीक है। और इसी तरीके से यहाँ पे ये हमारा आंसर है, ये इक्वेशन हम देंगे जो इसके साथ इंटरसेक्ट करेगी, और हमें इसके साथ पैरेलल बनानी है, तो हम ये इक्वेशन देंगे, ठीक है। अब थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड में पार्ट में कहा गया है कि वो दोनों लाइनें कोइंसिडेंट हो जाएं, थर्ड पार्ट में कहा गया है कि वो दोनों लाइनें कोइंसिडेंट हो जाएं, कोइंसिडेंट लाइंस। तो कोइंसिडेंट लाइंस में क्या होता है कि a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 होता है। तो यहाँ पर हम लोग, हमें गिवन इक्वेशन क्या है, गिवन इक्वेशन हमारे पास है 2x + 3y - 8 = 0, ये है। तो हम अपना आंसर क्या देंगे, देखिए तो हम ऐसा देंगे कि a1/a2 b1/b2 c1/c2 हो जाए, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 4x + 6y - 16y = 0। तो देख लीजिए यहाँ पर a1/a2 = हो रहा है b1/b2 के, और इक्वल हो रहा है c1/c2 के, ठीक है। ये हो जाएगा 2/4, तो 2/4 का मतलब क्या हो गया, 1/2, ठीक है। ये हो जाएगा 3/6, तो 3/6 = 1/2 हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा -8/-16, तो -8/-16 भी 1/2 के इक्वल हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, 1/2, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ें बराबर हो रही हैं, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 4x + 6y - 16 = 0। तो इस तरह से हमने इस गिवन इक्वेशन के लिए तीनों इक्वेशन दे दी,
जो कंडीशन हमें बताई गई थी वो ये हमारी जो इक्वेशन थी वो इक्वेशन है वो उसको फुलफिल कर रही है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 6 भी हो गया। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। इसको कर लीजिए आप लोग पहले नोट और फिर हम लोग इसको क्वेश्चन नंबर 7 को पढ़ते हैं। तो करते हैं इसको रफ। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ इक्वेशन एक्स माइनस वाई प्लस 1 = 0 एंड 3x + 2y - 12 = 0। दो इक्वेशन है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर हमारा है 7, तो दो इक्वेशन हमें दी गई हैं। पहली इक्वेशन है एक्स माइनस वाई प्लस 1 = 0, दूसरी इक्वेशन है 3x + 2y - 12 = 0। डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द लाइंस एंड द एक्सिस एंड शेड द ट्राइंगुलर रीजन। तो क्वेश्चन ये कहा गया है, जैसे कि जब हम ये दो लाइन को ग्राफ पर रिप्रेजेंट करेंगे कुछ इस तरह से, जैसे ये हमारा ग्राफ होगा कुछ इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे, तो एक लाइन मान लीजिए ये आ रही है, दूसरी लाइन मान लीजिए ये आ रही है। तो ये लाइनें एक्स एक्सिस को कहीं पे काटेंगी दोनों, और इस तरह से इस लाइन से और इस लाइन से और ये एक्स एक्सिस वाली लाइन, इससे एक ट्रायंगुलर रीजन बनेगा। इस रीजन को आपको शेड करके दिखाना है ग्राफ पर, है ना। ग्राफ पे क्या करना है आपको, एंड शेड द ट्रायंगुलर रीजन। ठीक है, तो उस ट्रायंगुलर रीजन को शेड करके दिखाना है। तो ये वाला वर्क तो हम लोग ग्राफ पर करेंगे ताकि हम लोग को अच्छे से समझ में आए। ठीक है, करने को यहाँ पर भी बना सकते हैं बोर्ड पे, लेकिन वो बहुत अच्छे से समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो पहले तो हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों इक्वेशन से एक टेबल बना लेते हैं। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 हो गई, ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 हो गई। ठीक है, तो फॉर इक्वेशन फर्स्ट तो इक्वेशन फर्स्ट क्या है, एक्स माइनस वाई प्लस 1 = 0, है ना। तो ये वाई को उधर ले चलते हैं और 1 को उधर ले चलते हैं, इधर आ जाएगा एक्स, वाई हो जाएगा प्लस और 1 उधर जाके माइनस, तो y - 1, ये y उधर जाके प्लस हो जाएगा, 1 उधर जाके माइनस हो जाएगा। इसको हमें थोड़ा सा रीअरेंज करना है ताकि टेबल हमारी आसानी से बने। ये रीअरेंज इसलिए करते हैं कि टेबल आसानी से बने, वरना ये लिखने का, इक्वेशन लिखने का जनरल फॉर्म तो यही है। ठीक है, अब इस इतने उसमें जो है सॉल्व करके नहीं दिखाएंगे कि एक एक, आप लोग यहीं से आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये पॉइंट सही है। अब वाई की जगह पे यहाँ पे अगर हम 1 रख दें, वाई की जगह 1 रख दें, तो x - 1 क्या हो जाएगा, 0। अब वाई की जगह यहाँ 2 रख दें तो 2 - 1 = 1 हो जाएगा, x की वैल्यू 1 आ जाएगी। वाई की जगह यहाँ 3 रख दीजिए, यहाँ 3 रखेंगे, 3 - 1 = 2, तो x की वैल्यू आ जाएगी 2, बन गई टेबल। अब इसमें क्या बहुत बड़ा वो करना था, सिंपल है। अब यहाँ पर दूसरी इक्वेशन, फॉर इक्वेशन सेकेंड, सेकेंड इक्वेशन के लिए नंबर 2 के लिए, है ना। अच्छा, अब क्या ये यहाँ पे दिया है 3x + 2y - 12 = 0। अब यहाँ पर भी हम लोग रीअरेंज कर लेंगे जिससे कि आसानी हो। तो 3x को यहीं रखेंगे, इन दोनों को उधर ले जाएंगे, तो 12 हो जाएगा प्लस में और ये 2y हो जाएगा माइनस में, तो -2y। अब 3 को इधर ले जाते हैं, तो x = 12 - 2y / 3, ये टेबल हमारी बन जाएगी। यहाँ पर तीन तीन पॉइंट्स हम यहाँ से निकाल लेंगे, ये हमारा हो जाएगा x और ये हो जाएगा हमारा y। अब यहाँ पर y की वैल्यू अगर हम 0 रख दें तो ये तो टर्म खत्म हो गई, ये बचा 12/3 और 3 4 12, तो x की वैल्यू आ जाएगी 4। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम y की वैल्यू 6 रख दें, y की वैल्यू 6 रख दें, तो सॉरी 6 मत रखिए यहाँ पे, y की वैल्यू रख दीजिए आप यहाँ पर, चलिए 6 रख दीजिए, 3 रख दीजिए, 3
वाई की वैल्यू यहाँ पर रख दीजिए 3, तो 3 2 हो जाएगा 6 और 12 - 6 इक्वल टू 6, तो ये 6/3 हो जाएगा, तो 6/3 हो जाएगा हमारे पास 2, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 2। ठीक है, अब यहाँ पर एक काम और कर सकते हैं, यहाँ पर रख दीजिए -3, तो -3 रखेंगे तो -3 2 जा, और ये माइनस लगा हुआ है तो -3 - -2 होगा, ये तो -3 - -2 हो जाएगा +6, तो +6 ये हो जाएगा 12 - 6 18, तो 3 6 जा 18, तो ये दोनों लाइन के लिए पॉइंट्स आ गए। और अब हम चलते हैं सीधे ग्राफ पर, और ग्राफ पर हम लोग इसको जो है ड्रॉ करेंगे, और वो कुछ सिचुएशन इस तरह से आएगी ग्राफ पे, देखेंगे बाकी एक लाइन इस तरह से जा रही होगी, ठीक है, एक लाइन इस तरह से जा रही होगी, एक लाइन इस तरह से जा रही होगी, तो ये वाला जो पोर्शन बना वो ट्राइंगल बन रहा है एक्स एक्सिस के साथ, और ये हम शेडेड करके वहाँ पर दिखा देंगे ऐसे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं ग्राफ पर, और ये एक्सरसाइज फिनिश भी हो जाएगी उसी के साथ, और फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे 3.3। ठीक है, तो इसमें हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड हमें पढ़ना है, यहाँ पर पहला मेथड, और ये ग्राफिकली वाला जो सिस्टम चल रहा था ग्राफिकली मेथड था ये। ठीक है, तो चलिए चलते हैं पहले ग्राफ पर, फिर बाकी बात करते हैं यहीं पर लौट कर। तो चलिए चलते हैं ग्राफ पर। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7 भी हमें ग्राफ से सॉल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमने दो इक्वेशंस जो दी हुई थी वो यहाँ पर लिख लिए हैं, दोनों इक्वेशन उनके पॉइंट्स लिख लिए हैं हमने यहाँ पर। ठीक है, तो सेकंड इक्वेशन जो यहाँ पर लिखने से रह गए वो थी हमारी 3x+2y - 12 = 0, ये हमारी सेकंड इक्वेशन थी। ठीक है, तो चलिए पॉइंट्स जो हमने बनाए थे उनको हम ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पर। तो पहला पॉइंट फर्स्ट इक्वेशन के लिए 0,1, यहाँ पर 1 यूनिट = 1 ही है, तो 0,1, तो एक्स में चलेंगे 0 y, तो ये पहला पॉइंट हमें यहाँ पर ही मिल जाएगा 0,1। दूसरा पॉइंट 1,2, तो 1 x पे 1 y पर 2, तो ये मिल जाएगा हमें 1,2। फिर है हमारा 2,3, तो x पे 2 y पे 3, तो ये मिल जाएगा हमें 2,3। तो ये पॉइंट से होती हुई जो लाइन जाएगी वो इस इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेगी, तो ये लाइन जा रही है यहाँ से। ठीक है, अब सेकंड इक्वेशन ये है, और इस इक्वेशन को यहाँ लिख देते हैं, इस इक्वेशन के लिए थी ये लाइन x y+1 = 0 के लिए। अच्छा, अब सेकंड इक्वेशन हमारी 4,0, तो x पे 4,0 y पे नहीं, तो यही पॉइंट मिल जाएगा 4,0, और सेकंड पॉइंट हमें मिल रहा है 2,3, 2,3, तो ये पॉइंट मिला है 2,3, दोनों में ही कॉमन है तो ये पॉइंट मिल रहा है, फिर से 2,3 सेकेंड इक्वेशन के लिए भी, और फिर है हमारे पास 6,-3, तो 6 हम एक्स पे लेंगे y पे -3, -3 हमें यहाँ मिल रहा है। ठीक, तो ये हो जाएगा 6,-3। ठीक है, तो ये तीनों पॉइंट्स हम मिला देंगे, उससे होके जाने वाली लाइन सेकेंड इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेगी। अब क्वेश्चन में कहा गया था ये दो लाइनें जो इंटरसेक्ट करेंगी उसके साथ एक्स एक्सिस भी जब आएगी तो एक ट्राइंगल बनेगा, उसे शेड करिए। तो ये जो ट्राइंगल बन रहा है आपका, ये इसको हम शेड कर दे रहे हैं। इस ट्राइंगल को पूछा गया था क्वेश्चन में, ये ट्राइंगल हम शेड कर देते हैं यहाँ पर, ये जो ट्राइंगल है। ठीक है, और फिर हम लोग ये एक्सरसाइज फिनिश हो जाएगी बिल्कुल इस तरह से, और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चलेंगे एक्सरसाइज 3.3 पर, जहाँ पर हम सब्स्टिट्यूट मेथड से लीनियर पेयर को सॉल्व करना सीखेंगे, इक्वेशंस के पेयर को इन टू वेरिएबल्स सॉल्व करना सीखेंगे। तो इस तरीके से हमने इसे कर दिया ट्राइंगल को पूरा,
शेड, आप लोग रेड पेन से मत करिएगा, ठीक है? ये मैंने इसलिए रेड पेन से किया कि थोड़ा सा सही से दिखेगा वीडियो में, ठीक है? तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, ठीक है, मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइए, है ना? और अगर आपको ये वीडियो समझ में आया, पसंद आया, तो इसको शेयर करिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और आगे भी इसको शेयर करिए, ठीक है? थैंक यू वेरी मच।